नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सिटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े ही आराम से आज मैं आपको मॉपअप राउंड के बारे में समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जिन बच्चों को एडमिशन की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, जिनको पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है, जिन्होंने उम्मीद खो दिया है, जिनको लगता है मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉपअप राउंड एक्चुअली वो राउंड है जो BHU के इस पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर का सबसे लास्ट राउंड कहा जाता है। इसका नाम ही है मॉपअप। किसी को कवर करना, फुल करना, जो चीज़ें बच गई हैं उसको बेसिकली फुल करना है, भरना है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हमारे पास 100 शर्ट हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, जैसे जापानीज, जैसे कि अरबी, उर्दू या ऐसे कुछ और भी हमारे पास साइंस के या हमारे पास दूसरे कोर्सेज के भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ऐसे में मॉपअप राउंड इस बार स्पेशल क्या है मॉपअप राउंड में? मॉपअप राउंड पहले बात तो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, इस बार आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, 1000 समथिंग पेमेंट करना पड़ेगा। अभी पेमेंट को लेकर तो कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मान लो कि 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये 1000 पेमेंट जो है वो रिफंडेबल होगा। ये सबसे लास्ट राउंड है, मतलब ये लगभग, मुझे वीडियोस देखते रहना, मैं बताऊंगा कि कब ये पेमेंट करना है आपको, ये मॉपअप राउंड कब आ रहा है। जैसे कि आपको एडमिशन नहीं मिला, लेकिन BHU में कुछ कोर्स में सीटें खाली रह गई, सपोज कि किसी में 15, किसी में 20, किसी में 30, तो कमेटी क्या करेगी, ये पूरे सीटों को काउंट करेगी, सब्जेक्ट्स भी काउंट करेगी कि हाँ BCW में ये सीट खाली है, FMC में ये सब्जेक्ट्स खाली है, ये पूरा काउंट करेगी और इसकी पूरी लिस्ट रेडी करेगी और ये लिस्ट आपको देगी। और आपसे सीधे से बोला जाएगा कि आप ये देखो कि इस कॉलेज में इस कॉम्बिनेशन को आप लेना चाहते हो, तो आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करो। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1000 रुपये आपसे लेंगे। और वो पेमेंट आपसे कैसे कैसे आपका यूटिलाइज होगा, सुनो, आपको अगर एडमिशन मिल जाता है, सपोज आपके कोर्स की फीस 2500 रुपये, तो वही 1000 रुपये वो आपका उसमें चला जाएगा, 1500 आपको और पेमेंट करना पड़ेगा। जिनको मॉपअप राउंड में एडमिशन नहीं मिलेगा, उनका भी पेमेंट जो है वो रिटर्न कर देंगे। पेमेंट उनका रिटर्न नहीं होगा जिनको जो एडमिशन लेके कैंसिल समथिंग करेंगे, ये वाला मुझे डाउट है। लेकिन आपका पेमेंट मेकअप वाला एकदम कंफर्म है कि अगर आपको एडमिशन मिल जाता है मॉपअप राउंड में, आपने 1000 रुपये उनको दिया है, तो वो 1000 रुपये आपके फीस में ही डिडक्ट हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। तो आपका पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। मॉपअप राउंड को ये मत समझो कि वो लोग पैसा कमा रहे हैं। मॉपअप राउंड को बेसिकली इसलिए ऐसा बनाया गया है कि हर कोई ना ट्राई करने लगे, जो डिजायर्ड है वही ट्राई करे, जिससे कि इनका टाइम बच जाए और जल्दी जल्दी आपका पूरा सीट फुल हो जाए, समझ रहे हो। तो मॉपअप राउंड का प्रोसेस ये है। और मॉपअप राउंड जब आएगा तो मैं आपको फिर डिटेलिंग करूंगा कि कितने सीट खाली है, किस कोर्स में खाली है। हो सकता है लकली आप जिस कोर्स को चाहते हो वो सीट खाली मिल जाए और आप उसमें एडमिशन लो, यही मॉपअप राउंड। प्लीज़ कम मार्क्स वाले जो हार गए, जो निराश हैं, जिन्हें लग रहा है कि नहीं भाई मेरा एडमिशन नहीं हो सकता, वो मॉपअप राउंड का इंतजार जरूर करेंगे लास्ट में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट हर वीडियो में कवर कर रहा हूँ। और इस वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, मुस्कुराते रहो। बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।